तो यहाँ पर हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, जब से मिस्टर मनु कुमार जैन ने ये वाला ट्वीट करके हमें एक अंदाजा दिया कि शायद आने वाले दिनों में आपको Redmi Note 9 Pro सीरीज में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या चीज छुपा हुआ है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शायद आपको पता होगा, कुछ ही दिन पहले ओप्पो रेनो 3 प्रो इंडिया में लॉन्च हुआ था और उस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा था। लेकिन ओप्पो की तरफ से यह कहा जा रहा था कि आप इस फोन से 108 मेगापिक्सल का इमेज क्लिक कर पाएंगे। जी हाँ, आपको शायद यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर ओप्पो की तरफ से जो सॉफ्टवेयर यहाँ इंप्लीमेंट किया गया है, मतलब आप 64 मेगापिक्सल कैमरे से ही शूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करके या फिर AI के द्वारा एक चीज अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो इमेज आपको आउटपुट में मिलेगा ये 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। इसका मतलब आपका जो इमेज होगा ये थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज कुछ भी नहीं है, जस्ट एक गिमिक है, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज कहा जा रहा है। तो मुझे तो बस यही लग रहा है कि शायद ये वाला चीज आपको Redmi Note 9 Pro में देखने को मिल सकता है। इसीलिए Xiaomi की तरफ से भी ये क्लियर नहीं किया गया था कि आपको यहाँ 108 मेगापिक्सल का कैमरा ही मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको 108 नंबर का कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके भरोसे के लिए मैं एक पल के लिए मान भी लेता हूँ कि यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें अगर आपको MediaTek Dimensity 800 का प्रोसेसर देखने को मिलता है तो वो 108 मेगापिक्सल कैमरे को सपोर्ट नहीं करता है। जी हाँ, और अगर Snapdragon 720G भी आपको मिलता है उसमें भी आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पर एक और चीज हो सकता है, अगर इस फोन में Snapdragon 730G का प्रोसेसर आपको मिलता है तो वो डायरेक्टली 108 मेगापिक्सल कैमरे को सपोर्ट कर लेगा। जैसे कुछ ही दिन पहले MI Note 10 लॉन्च हुआ था और उसमें आपको Snapdragon 730G वाला प्रोसेसर और 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल रहा था। तो अगर वही सेम स्पेक्स आपको Redmi Note 9 Pro में मिलता है तो ऑब्वियसली Xiaomi खुद ही को कम्पीट क्यों करेगा, क्योंकि वो फोन आपको 30,000 के आसपास देखने को मिलता है और ये फोन 20,000 के नीचे आपको मिलेगा इंडिया में। लेकिन अगर बाय चांस ये स्पेक्स आपको इस फोन में देखने को मिलता है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ प्रॉपर 108 मेगापिक्सल का जो सैमसंग का iOS सेल है ये आपको अगर इस फोन में देखने को मिलता है तो नो डाउट आप सभी के लिए सबसे बेहतर कैमरा फोन अंडर 20,000 रुपीज में ये फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये दोनों ही पावरफुल चीज, जैसे Dimensity 800 वाला प्रोसेसर और साथ में 108 मेगापिक्सल का जो फ्लैगशिप कैमरा है, 20,000 के नीचे मिलना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब आप सोचिए 20,000 के नीचे अगर ये दोनों ही स्पेक्स, मतलब ये दोनों ही फीचर आपको एक फोन में मिलता है और वो भी 15,000 से 20,000 के अंदर, तो ये मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला चीज हो जाएगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद आपको यहाँ पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, साथ में पिक्सल विनिंग या फिर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करके AI के द्वारा आपको शायद 108 मेगापिक्सल वाला इमेज ये फोन क्लिक करके दे पाएगा। तो अभी के लिए कोई भी चीज क्लियर नहीं है, तो अभी जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आगे चल के हमें और भी बहुत सारे लीक्स देखने को मिलेगा इस फोन के बारे में, मैं आपको आगे चल के अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आपको इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा या फिर ये एक गिमिक है, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।